हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की चटनी, खट्टी मीठी टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। और आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन इस तरह से कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। एकदम अलग तरीके से मैंने ये चटनी बनाई है। इस चटनी को बना के आप फ्रिज में रख के 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। और ये पूरी पराठे और सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है, नमकीन पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। तो अब मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है ये टमाटर की चटनी। बनाने के लिए मैंने टमाटर लिया है, ये लगभग 1 किलो के आसपास हैं टमाटर। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर मैं कुकर में मैंने 1 गिलास वाटर डाला है और उसके बाद उसके अंदर मैंने सारे टमाटर को डाल दिया है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा साल्ट ऐड करके और 1 सीटी लगा लेना है तो इसके जो सारे छिलके हैं वो निकल जाएंगे। देख रहे हैं आप, आराम से अलग हो गए हैं छिलके, तो हमें इनके छिलके उतार लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ये सारे छिलके उतार लिए हैं, क्योंकि छिलके टमाटर की चटनी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इसका निकाल के बनाइए। उसके बाद इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। हमको इसको ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ग्राइंड कर देते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है खाने में। और एक अलग सा इसमें जो थोड़ा थोड़ा सा पल्प होता है तब भी अच्छा लगता है, चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हमें हाथों की सहायता से या आप जो पाव भाजी का आता है उसके हेल्प से भी आप इसको मसल सकते हैं। इस तरह से देखिए हम कैसे मसल रहे हैं, तो इस तरह से भी हम इसको इस दबा दबा के मसल सकते हैं। और इस तरह से ही हमारी ये चटनी बनेगी, तभी बहुत टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, इसकी हेल्प से भी, हाथों की हेल्प से भी। और इसको तैयार करने के बाद हम फिर तड़का लगाएंगे। पहले इसको हम एक साइड में रख लेते हैं, तो देखिए ये एकदम मैश हो गया। इस तरह का ही रखना है हमको। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने लिया है जीरा, सौंफ, और ये मैंने लिया है 1/2 बाउल शुगर, और ये जो मैंने मसल के रखा था। अभी मैंने कढ़ाई रख लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, उसके बाद इसमें मैंने सौंफ, जीरा और हरी मिर्च डाल दिया है। और आप चाहें तो रेड मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे डाला है हींग, हींग ज़रूर डालना है। तो जो हींग जीरे का जो टेस्ट है वो इस चटनी में बहुत अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर। अब हम जो मैंने पल्प बना के रेडी कर लिया है वो पल्प मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद डालने के बाद हमको उसको अच्छे से मिला लेना है और इसी तरह से मिलाना है। और जो इसका जो मैंने बॉयल करते समय जो पानी बचा था वो भी हम रखेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम यूज करेंगे, अगर नहीं ज़रूरत होगी तो हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने साल्ट ऐड कर दिया, उसको भी मिक्स कर लिया है। इसकी जो थिकनेस है वो हमको इस तरह की रखनी है, बहुत पतला नहीं करना है। यहाँ पर मैंने मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया, एकदम बहुत ज़रा सा ऐड किया है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। अब अपने हिसाब से कर सकते। थोड़ा सा चटनी पकने के बाद फिर इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद थोड़ा सा पतला होगा हमारा चटनी, तो उसको हम अच्छे से पका लेंगे। तब तक कि जब तक कि उसमें अच्छे से होने नहीं लगता है तब तक हमको इसको पकाना है। और इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको और पका देंगे। और इसकी जो थिकनेस है वो इस तरह का ही हमको रखना है। थोड़ा सा देखिए शुगर मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा और पतला हो जाता है, बहुत अधिक पतला नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए हमारी चटनी एकदम बढ़िया रेडी हो रही है। तो इसके बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है किशमिश को ऐड किया है, आप अपने पसंद के हिसाब से। और अगर आप काजू बादाम या कुछ ऐसा डालना चाहते हैं तो उसको फ्राई करके आप कूट के डालें। और यहाँ पे मैंने केवल किशमिश का यूज़ किया है। उसके बाद मैं सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, और मेरी चटनी रेडी है, अब मैं सर्व कर ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह का कितना अच्छा बना है और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी चटनी बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये न्यू तरीका है बिल्कुल कैसा आपको लगा चटनी बनाने का। तो मैं फिर से मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।